guys, welcome back to my channel. So it's a review video today in which I'll be reviewing a body scrub by Good Vibes. But video mein jaane se pehle, let's talk a little bit about body scrubs. So friends, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि proper CTM routine follow करने के बाद भी आपकी जो skin है उसमें वो glow नहीं है, बहुत ही dull और बेजान सी, lifeless सी लगती है? ऐसा इसलिए होता है because हमारी जो skin है उसका जो top most layer है, upper most layer है, उसपे dead skin cells produce होती हैं, जिसपे बाहर का pollution, dust और oil या जितनी भी गंदगी है वो हमारी स्किन पे सेट हो जाती है और वो हमारे इनर ग्लो को हाइड कर देती है, इसलिए हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल और लाइटलेस लगती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वीक में दो बार अपनी जो स्किन है उसे अच्छे से एक्सफोलिएट करें स्क्रब की हेल्प से, जिससे जो भी डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाए और हमारा इनर ग्लो बाहर आए। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, मेरे पास है गुड वाइब्स जिंजर ऑरेंज एंड कॉफ़ी स्क्रब। इट्स स्टिमुलेटिंग बॉडी स्क्रब और ये 100 ग्राम्स का प्रोडक्ट है और गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली आपको purple.com पे मिलेगा और मैं जो purple.com की वेबसाइट है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस ब्रांड की स्पेशलिटी है कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्रुएल्टी फ्री होते हैं, पैराबिन फ्री होते हैं और 100% वीगन होते हैं। साथ ही साथ इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, 300 के अंडर सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, 300 क्रॉस नहीं करते इनके कोई भी प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी बजट फ्रेंडली रेंज लॉन्च करता है गुड वाइब्स। और मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, अफोर्डेबल होने के साथ साथ ये स्किन फ्रेंडली भी है, तो आप बंद आँखों से इस ब्रांड पर भरोसा कर सकते हैं। एंड गाइज, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मैंने खुद से अपने पैसे खर्च करके परचेज किया है और मैंने इसे अपने प्रीवियस पर्पल हॉल में भी शेयर किया था, मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी, इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप उसे चेक कर सकते हैं। सो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और वो मैंने 2-3 हफ्ते पहले शेयर किया था हॉल और तब मैंने इसका रिव्यू नहीं दिया था बिकॉज मैं इसे यूज़ करके एक एक्सपीरियंस, अपना जो ट्रू वाला एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती थी। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये स्क्रब यूज़ करते और अब मैं फाइनली अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने रख रही हूँ कि मुझे पर्सनली क्या फील हुआ। आई डोंट वॉन्ट टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ शूटिंग अ वीडियो, तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू देना चाहती थी इसलिए इतना टाइम लिया मैंने। टॉकिंग अबाउट द पैकेजिंग, ये ऐसे प्लास्टिक टब या जार जो भी कह लो इस टाइप की पैकेजिंग में आता है और ये ऐसे प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट है, आपको प्रोडक्ट जो है विजिबल है इसमें। गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूजुअली कांच की ग्लास बॉटल में आते हैं या ग्लास जार में आते हैं, बट दिस पर्टिकुलर वन इसका जो पैकेजिंग है वो प्लास्टिक टब में है और ऊपर इसमें गोल्डन कलर का स्क्रू कैप है, ऐसे स्क्रू इसे बंद हो जाता है। इसमें जो जिंजर है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिंजर में और आपकी स्किन को बैक्टीरिया फ्री रखता है और जितनी भी समस्या होती है स्किन में उसे फाइट करता है। कॉफ़ी जो है वो बहुत ही एक वेल नोन प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट है फॉर सेल्यूलाइट, फॉर रिड्यूसिंग सेल्यूलाइट एंड स्ट्रेच मार्क्स और साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल भी करती है। एंड ऑरेंज इज़ रिच इन विटामिन सी जो कि आपको एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्क्रब, ये ब्राउन कलर का स्क्रब है और इसका जो टेक्स्चर है ना वो लाइक वेट सैंड जैसे होती है, गीली बालू, उस टाइप का इसका टेक्स्चर है और इसका सेंट जैसे मैंने इसे ओपन किया आई कैन फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट और इट्स मिक्स ऑफ लाइक कॉफ़ी, ऑरेंज और जिंजर की एक कह सकते हैं कि मेडिकेटेड स्मेल है इसकी, मेडिकेटेड है बट स्टिल बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही सूदिंग है, सारे सेंसेस को एक तरह से एकदम काम डाउन कर देती है। और जैसे आप अरोमा थेरेपी लेते हो आपके जो जितना भी स्ट्रेन होता है मसल्स में या बॉडी में वो इंस्टेंटली काम डाउन हो जाता है, वैसे इसकी स्मेल है, जब आप इसे फील करते हो, स्मेल करते हो ना, तो आपका जो सेंसेस वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, सारी टेंशन एकदम से ख़त्म हो जाती है। सो बैक साइड पे इसके की इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसमें कॉफ़ी सीड पाउडर है, शुगर, स्वीट आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, बेटोनाइट क्ले, विटामिन ई, जिंजर एक्सट्रैक्ट, जिंजर एसेंशियल ऑयल, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल एंड एप्सम सॉल्ट, जितने भी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें मेंशनड है और यहाँ पे इसकी MRP मेंशनड है, 215 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट है 100 ग्राम्स का, बट क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द सेल पीरियड लिया था तो ये मुझे 108 या 115 का मुझे ये पड़ा था। गुड वाइब्स की जो ब्रांड है उस पर हमेशा ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल्स मेंशन है अबाउट द ब्रांड कि ये ब्रांड कैसा है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन पे क्या मिराकल करेंगे वो मेंशन है इस पर, हाउ टू यूज़, कैसे इसे यूज़ करना है ये भी मेंशन है और साथ ही साथ नीचे इसमें कॉशन भी दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा कौन लगता है कि इसमें बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी
का सेक्शन दिया तो है बट इसके सामने कोई भी डेट एज सच मेंशन नहीं है, तो मुझे इसकी ना मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चल रही है एंड ना ये पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर होगा। ये जो जार जब आप ओपन करते हो तो इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, कोई भी प्रोटेक्टिव शीट नहीं है जो इसे स्पिलेज से बचाए, बिकॉज जब आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करते हो तो इसके जो कॉर्नर्स हैं जार का उस पर ये बहुत ही ज़्यादा मेसी हो जाता है और स्पिलेज होने लगता है प्रोडक्ट का। इसके अलावा मुझे और कोई कॉर्न नज़र नहीं आया। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी इफेक्टिव है एंड ऑल स्किन टाइप। आपको इसे बाथ टाइम में यूज़ करना है, वेट बॉडी पे यूज़ करना है और मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको वेट बॉडी पे इसलिए यूज़ करना है बिकॉज इसका जितना भी बेनिफिट है वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जितना भी डिज़ायर्ड अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपको चाहिए वो अपने पाम में ले लें और उसके बाद जेंटली अपने स्किन पे अप्लाई करें और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है तो जब आप इसे मसाज करते हो, स्किन में स्क्रबिंग करते हो, तो आपकी स्किन जितना भी इसका बेनिफिट है और मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ, नरिश्ड और मॉइस्चराइज सी रहती है। एंड आपको ये ब्लैक फाइन पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये कॉफ़ी पार्टिकल्स हैं, क्रश्ड कॉफ़ी पार्टिकल्स हैं जो कि सेल्यूलाइट और स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में हेल्पफुल हैं। सो आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई हो जाती है और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि ये एक स्ट्रेस बस्टर प्रोडक्ट है। जितना भी आपको स्ट्रेस होगा जब आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो स्ट्रेस आपका एकदम से गायब हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर देता है ये माइंड को। और उसके बाद वॉश कर लेना है, 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए और आप देखिए मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई, ड्यूई सा फिनिश है स्किन पे और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड है बिकॉज ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो जो भी इसमें ऑयल होता है वो स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको एक्सटर्नली मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही स्मूथ टू टच स्किन है, बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल है। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो एंड मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगी, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें स्क्रब को। आई एम श्योर जितना मुझे पसंद आया है आपको भी उतना ही पसंद आया होगा। आई होप कि आज का वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड ब्यूटीफुल, बाय बाय।